नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लाइव डेस्क में। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जी ने आज रेजिग्नेशन दिया है, तो चलिए सुनते हैं उसने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे एक पार्टी के कार्यकर्ता को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और मुख्यमंत्री के रूप में मिले इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हुए मेरे कार्यकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मेरा मानना है कि अब गुजरात के विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। यह ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है। यहाँ समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी के द्वारा जो ही जवाब जिम्मेदारी मिलेंगी, उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नई ऊर्जा के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। तो दोस्तों, विजय रूपाणी जी ने ऐसे कुछ रेजिग्नेशन लेटर लिखा था। अगर आपको ऐसे ही न्यूज देखने हैं तो हमारे चैनल लाइव डेस्क को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।